अगर दोस्तों अंदर पूरी वीडियो बनाने की परमिशन मिलेगी तो मैं अंदर की पूरी वीडियो बनाकर भी आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये है विदिशा में उपस्थित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, जिसमें आप मेडिकल से संबंधित सब्जेक्टों की पढ़ाई कर सकते हैं। ये है वीडियो, अभी मैं ट्रेन में से बना रहा हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं विदिशा की जो हॉस्पिटल है, अटल बिहारी वाजपेयी हॉस्पिटल, उसके पास ये देख सकते हैं इस साइड, ये भोपाल से ट्रेन आ रही है, इसका नाम है मालवा एक्सप्रेस। और ये इस साइड आप लोग देख सकते हैं, ये कॉलोनी है रहवासी। और भगवान श्री हनुमान जी हैं, आज तो दर्शन हो गए, जय भगवान श्री हनुमान जी। और ये पूरी बिल्डिंग है, पीछे देख सकते हैं, ये पूरी गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल है, ये पूरे मतलब हॉस्टल के ब्लॉक हैं। और इस साइड ये थोड़ा सा पानी भरा है, और पानी के उस साइड रेलवे की पटरियाँ हैं, और आगे चलकर बिल्कुल एकदम पूरी जानकारी बताऊंगा अटल बिहारी वाजपेयी जो हॉस्पिटल है विदिशा की, उसकी ए टू जेड बिल्कुल। तो अब डायरेक्ट हॉस्पिटल में चलकर ही मिलेंगे, तो चलिए। तो दोस्तों, ये है हॉस्टल ब्लॉक, ये हॉस्टल के ब्लॉक हैं, यहाँ पर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टूडेंट इन ब्लॉक्स में रहते हैं, लड़के और लड़कियाँ। 15 से 20 बिल्डिंगें हैं जिनमें पढ़ाई करने वाले हॉस्पिटल का स्टाफ और जो डॉक्टर नर्स स्टूडेंट सभी यहां पर रहते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। और ये हॉस्पिटल जाने के लिए मेन रोड है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाना और लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, ये है गर्ल्स हॉस्टल 9। तो दोस्तों, ये है विदिशा का अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा, ये पूरी बिल्डिंग है आप लोग देख सकते हैं, ये चारों तरफ।